तन भीगा है, सर गीला है, उसका कोई पेच भी ढीला है। तनती झुकती चलती रुकती निकली अंधेरी रात में, मिली अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिले अजनबी से कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल हाउसफुल शो विद नितिन में। दोस्तों, पेशेवर जीवन में जब प्रोफेशनल लाइफ में जब आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, तब इनकम टैक्स वालों की आप पर नज़र होती है। और आज हम ऐसा ही एक बहुत ही रोचक किस्सा किशोरदार के बारे में जानेंगे, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित है। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन को प्रेस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच पाएं। दोस्तों, जब प्रोफेशनल लाइफ में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो निश्चित रूप से पैसा भी आपके पास आता है, और जब पैसा आता है तो इनकम टैक्स वालों की भी नज़र आप पर पड़ती है। ऐसा ही कुछ किस्सा हुआ किशोरदा के साथ में, जब इनकम टैक्स वाले उनकी तरह पीछे बुरी तरह से पड़ गए, और तब उनके कोई ख़ास दोस्त ने उन्हें सलाह दी कि तुम अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी बनाओ और एक ऐसी फिल्म का निर्माण करो जो कि घाटे में जाए, और सारा घाटा उसी में तुम दर्शा देना, जिससे इनकम टैक्स वाले तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे और तुम्हें इससे छुटकारा मिल जाएगा। तब किशोरदा ने किया भी यही, उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई और बंगाली में एक फिल्म बनाई जिसका टाइटल था लुको चोरी। अब आप देखिए, किशोरदा ने बड़े बेमन से वो फिल्म बनाई, लेकिन वो फिल्म बंगाली में सुपरहिट हो गई, और सुपरहिट हो गई तो स्वाभाविक सी बात है ऑब्वियसली कि इसमें कमाई भी बहुत हुई होगी, तो वापस से इनकम टैक्स की नज़र किशोरदा पर पड़ गई। तब एक किशोरदा ने एक फिल्म हिंदी में और बनाई थी जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। चलती का नाम गाड़ी भी यही सोच के किशोरदा ने बनाई थी, उनकी होम प्रोडक्शन की फिल्म थी, कि इसमें घाटा होगा और ये सारा घाटा मैं इसमें दर्शा दूंगा और इनकम टैक्स से निजात पाऊंगा। लेकिन हुआ उल्टा ही। उस फिल्म में जहां किशोरदा ने तो बहुत अच्छा काम किया ही था, मधुबाला जी, अशोक कुमार, अनूप कुमार, पूरा परिवार ही उनका था उसमें, तो ये फिल्म सुपर हिट हुई और एक बार फिर से इनकम टैक्स के शिकंजे में किशोरदा फंस गए। तो ऐसा नाता रहा किशोरदा का और इनकम टैक्स का। किशोरदा तो खैर अपने ज़माने के सबसे सक्सेसफुल आर्टिस्ट थे, तो पैसा भी उन्होंने बहुत कमाया और इनकम टैक्स वालों की निगाह भी उन पर हमेशा बनी रही। किशोरदा के साथ अनोखी घटनाएं हमेशा घटती रहीं। एक बार किसी बंगाली ऑर्गेनाइज़र ने कोई शो उनसे करवाया और किशोरदा के साथ उन्होंने बेईमानी की और पैसे नहीं दिए उसके। तब किशोरदा बहुत ज़्यादा उनसे चिढ़ गए थे और उन्होंने अपने वॉचमैन को ये ऑर्डर दिया था कि कोई भी बंगाली यहाँ पे आए अगर तो उसे भगा देना बाहर से। तब एक बार ऋषिकेश मुखर्जी कोई प्रोजेक्ट के सिलसिले में किशोरदा से मिलने उनके घर पर आए, और जो वॉचमैन था उसने इनको देखा कि ये तो बंगाली हैं, तो उसने किशोरदा की आज्ञा का पालन करते हुए बेइज्जत करके बाहर से उन्हें भगा दिया। और जब किशोरदा को ये बात पता लगी तो उन्हें बड़ा पछतावा हुआ, क्योंकि वो वास्तव में वो ऑर्गेनाइज़र नहीं, ऋषिकेश मुखर्जी थे। तो ऐसी अनोखी घटनाएं किशोरदा के साथ हमेशा घटती रहीं और उनका पूरा जीवन इन्हीं घटनाओं से पटा पड़ा था। बहरहाल, किशोरदा ने हमें एक से बढ़ एक बढ़कर एक हंसी खुशी के क्षण दिए हैं, और चलती का नाम गाड़ी जो एक फिल्म है जो उन्होंने इनकम टैक्स से बचने के लिए बनाई थी, उसके गाने आज भी हमें बड़ी सुखद अनुभूति देते हैं और हंसने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये किशोरदा का किस्सा था एक इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ, जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। दोस्तों, इसी प्रकार से वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहूँगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपसे यही कहूँगा कि हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार दोस्तों।